आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। और सर माइकल फैराडे के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट रहे अपने समय के, और इनके लाइफ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा जो कि साइंस के फील्ड में रुचि रखते हैं। तो सर माइकल फैराडे के बारे में अगर हम बात करें तो सर माइकल फैराडे में न सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम किया, साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और सर माइकल फैराडे के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप एक कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोगों को ये चार्ज को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ये चार्ज जो कि आपको दिख रहा है इसे हम नाम दे दिए हैं, ये हमारा सोर्स चार्ज हो सकता है। ये हमारा क्या है? सोर्स चार्ज है जो कि आपको दिख रहा है। सोर्स चार्ज कहने का मतलब कि एक पार्टिकुलर चार्ज को हम कंसिडर कर लिए और इसके साथ एक और चार्ज को इसके सामने रख दिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चार्ज को हम लोग क्यू नॉट नाम दे देते हैं। ये नाम क्या हो गया? क्यू नॉट हम इसका नाम दे दिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और साथ ही साथ इस चार्ज को हम लोग कह देते हैं यह है हमारा टेस्ट चार्ज। ये क्या है? हमारा टेस्ट चार्ज। अब यहां पे हम लोग एक्सपीरियंस क्या करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। यहां पे होता यह है कि ये जो चार्ज है ये चार्ज पे एक फोर्स लगता है। ये चार्ज कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा सकता है। ये किसके कारण मूव करेगा? ये चार्ज, ये इस चार्ज के कारण मूव करेगा, ये सोर्स चार्ज के कारण मूव करेगा। सोर्स चार्ज एक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, ठीक ना। अब ये फील्ड को ही समझना है हम लोगों को कि ये फील्ड आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इस चार्ज पे फोर्स लग कितना रहा है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है ये बात तो तय है, कि क्या ये इसके कांटेक्ट में आया? कांटेक्ट में तो नहीं आया। बिना कांटेक्ट में आए ये इस पे फोर्स लगाया, इसको कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा ये। तो यहां पे अगर ये बिना इसके कांटेक्ट में आए इस पे फोर्स लगा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील्ड का एक कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज से कुछ फील्ड्स निकल रहे होंगे जो कि इस चार्ज को इफेक्ट करता है। अब अगर हम आगे इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये चीज और भी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इसका डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेशन कुछ हमारा इस प्रकार से है जो कि आपको दिख रहा है। इसका डेफिनेशन कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको हम कंसिडर किए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ये चार्ज हमारा इधर फ्लो करेगा ना, इधर मूव करना चाहेगा, तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ये कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहा होगा। इस पे फोर्स लग रहा होगा एफ, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे फोर्स लग रहा है तो इसका फील्ड कहीं ना कहीं यहां पे होगा। तो इस फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने लिखा है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज को रखा गया है इस पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और आगे क्या लिखा है? विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के पोजिशन को बिना डिस्टर्ब किए क्या इसमें कोई डिस्टर्बेंस देखा गया? नहीं ना, ये टेस्ट चार्ज हमारा मूव किया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर हम लिखें, ये हमारा हो जाएगा ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो कि आपको यहां से दिख रहा होगा। ये डेफिनेशन से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
जो कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ द सोर्स। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं कि कैसे एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक ना, बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए। तो अगर ये इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आया है, ये इसके कॉन्टैक्ट में अगर नहीं आया है तो कैसे इस पे फोर्स लगा रहा है, तो उस समय कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था सर माइकल फैराडे के द्वारा, और ये डेफिनेशन से आप बाकी पार्ट अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये फॉर्मूला से, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बात आपको समझना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। अब आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे एक और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में एक और इंटरेस्टिंग पार्ट देख लेते हैं। ये अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं, इफ दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज, तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो बाहर की ओर निकल रहे होंगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगे वो बाहर की ओर निकलेंगे, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रिक ऐसा कंसिडर किया गया कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं वो बाहर की ओर निकलते हैं, और ये चारों तरफ निकल रहे हैं। इस बात को भी हम अच्छे से आगे समझाएंगे, फॉर्मूला को ध्यान में रख के इसको हम समझेंगे कि ये चारों तरफ क्यों निकल रहा है, ये एक स्फेयर के फॉर्म में क्यों निकलता है, ये फॉर्मूला से भी हम लोग आगे जाकर के देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हो गई। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें, अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इसमें आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस डायरेक्शन में देखा जाएगा, वो कुछ ऐसा होगा, देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा पाया जाएगा, इसको कुछ हटा देते हैं इस तरह से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आते पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्लियर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए अंदर की ओर आ रहे हैं, ना? ये हमारा कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इसके बारे में बात करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से अंदर की ओर आते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, इसको हम कुछ हटा देते हैं। अब यहां पे अगर लिखें तो ये हमारा लिखाएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, थ्रू नेगेटिव चार्ज, थ्रू नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑपोजिट डायरेक्शन अंदर की ओर आएंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन का बात है, नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर, ठीक ना, और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर। ये फील्ड का कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं क्लियर है, और यहां से आपको डेफिनेशन से तो उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ये हमारा डेफिनेशन हर एक चीज को क्लियर कर देता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें, फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, तो पहले तो हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आखिर हमारा कहता क्या है,
कूलम्स लॉ हमारा कहता है फोर्स जो है हमारा विच इज इक्वल टू 1/4πε0Q0r2। यहां पे r कैप भी लिख सकते हैं हम। ये डायरेक्शन बताता है फोर्स का, किस डायरेक्शन में है हमारा फोर्स। यहां पे अगर हम फोर्स को देखें, फोर्स हमारा r से मतलब r के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि r का स्क्वायर हो गया है। यहां पे r वेक्टर फॉर्म में नहीं है, r का यहां पे यूनिट वेक्टर भले है लेकिन r यहां पे वेक्टर फॉर्म में नहीं है। r स्क्वायर हो जाने के कारण r यहां पे मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है। यहां पे f r के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। ठीक इसी प्रकार यहां पे अगर हम बात करें, ये तो f का पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें, फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये अभी हम जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने ये पार्ट पढ़ा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4πε0Q0r2r कैप डिवाइडेड बाई Q0। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो Q0 और Q0 आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहां पे हम देयरफोर करके लिख सकते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि होगा 1/4πε0Q/r2r। अब इसको समझना है कि ये आखिर कहता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, इस फॉर्मूला का आखिर मतलब क्या है। अगर इस फॉर्मूला का मतलब के बारे में समझे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकुलर चार्ज के बारे में बात कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पार्टिकुलर चार्ज के बारे में बात करेगा, ठीक है। और यहां पे डायरेक्शन ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग फोर्स ही होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन था वही होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ आर से इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पे r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर वाला जो टर्म है अगर इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म तरह से लिखाएगा, e इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r2। ये हमारा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख दिए, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अभी अभी हम थोड़ा देर पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये स्फेरिकल सिमेट्रिक क्या है। स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर चार्ज से, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है ये जो क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो स्फेयर के फॉर्म बनाते हुए निकलेंगे, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है ये स्फेरिकल फॉर्म में निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चारों डायरेक्शन में है, चारों तरफ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग स्फेरिकली सिमेट्रिक। इसको मैथमेटिकली भी हम लोग यहां पे देख लिए, ठीक है, कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है क्या। स्फेरिकल सिमेट्रिक हम यहां लिखे हैं, यहां बाय द वे लिखना चाहिए था स्फेरिकली सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, मतलब कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ हमारा क्या होगा। अगर हम यहां पे एक चार्ज को इस जगह पे कंसिडर करते हैं जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, इस चार्ज के चारों तरफ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में बाहर की ओर निकल, ठीक है। इसको ऐसा कंसिडर किया गया, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अंदर की ओर, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा, दिस इज आवर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो यहां तक उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक
हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।